हेलो फ्री फायर, क्या हाल है? फोबी के हो? फुली ऑफ फोबी, बहुत बहुत बढ़िया और मस्त होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गाइस आप लोग इंडोनेशिया सर्वर की आईडी कैसे बना सकते हो। एंड गाइस, आपको तो पता ही होगा यहाँ पे जो हमारा इंडोनेशिया सर्वर है वो कितना ज़्यादा कमाल का सर्वर है, वहाँ पे हमको कितने ज़्यादा फ्री के रिवार्ड मिलते हैं। लाइक गाइस, आपको इंडोनेशिया सर्वर में आई थिंक ब्लू बंडल, ब्रेक डांसर बंडल और इसी के साथ में यहाँ पर ये जोकर वाला बंडल है, वो सारे के सारे बंडल हमको फ्री में मिल जाते हैं और इसी के साथ में हमको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमाल कमाल की चीज़ें फ्री में मिलती हैं। अगर आप लोग एक बार इंडोनेशिया सर्वर की आईडी बना लोगे तब आपको अपना इंडिया सर्वर बोरिंग लगने लग जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तब आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी के साथ में अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से फ्री में होता है, तो अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, बिकॉज गाइस आपका भाई आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता है। वेल दोस्तों, इंडोनेशिया सर्वर की आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आपके फ़ोन में कोई आईडी लॉगिन है तब आपको सिंपली उसको लॉग आउट कर देना है, तभी तो आप लोग यहाँ पे न्यू अकाउंट को लॉगिन कर पाओगे। और अकाउंट को लॉग आउट करने के बाद अब आपको यहाँ से अपने गेम को क्लोज कर देना है, और गेम को क्लोज करने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको एक वीपीएन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है अर्बन वीपीएन। अभी आप लोग इसको देख सकते हो, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो आपको सिंपली इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। और हाँ, जब आप लोग इसको ओपन कर लोगे तब आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस नजर आने वाला है। तब आपको यहाँ पर सबसे ऊपर जो ऑटो सर्वर लिखा हुआ है आपको सिंपली यहाँ पर ऑटो सर्वर के ऊपर क्लिक करना है, एंड इसके बाद अब आपको यहाँ पर इंडोनेशिया लिख देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर इंडोनेशिया लिखोगे तो यहाँ पर इंडोनेशिया आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब आपको सिंपली इंडोनेशिया के ऊपर क्लिक कर देना है। और भाई, जब आप लोग इंडोनेशिया के ऊपर क्लिक कर दोगे तब हमारा जो वीपीएन है वो इंडोनेशिया सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। एंड वीपीएन को कनेक्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इस ऐप को क्लोज नहीं करना, सिंपली आपको होम बटन से इसको मिनिमाइज कर देना है, और मिनिमाइज करने के बाद अब आपको अगेन से अपने गेम को ओपन कर लेना है। और गेम को ओपन करने के बाद गाइस, अब आपके पास कोई फ्रेश अकाउंट होना चाहिए जिसमें कि आपने अभी तक अपने गेम की आईडी को नहीं बनाया। लाइक गाइस, अगर आपके पास कोई फ्रेश फेसबुक का अकाउंट है जिसमें कि आपने अभी तक अपनी गेम की आईडी को नहीं बनाया, तब आपको सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है। और इसी के साथ में अगर आपके पास कोई गूगल का फ्रेश अकाउंट है जिसमें कि आपने अभी तक अपनी गेम की आईडी को नहीं बनाया, तब आप लोग सिंपली उसको सिलेक्ट कर सकते हो। और इसी के साथ में अगर आपका जो गिफ्ट के अकाउंट है वो अभी तक नहीं बना हुआ, तब आप लोग अपने गिफ्ट के अकाउंट से भी इंडोनेशिया सर्वर की आईडी बना सकते हो। तो देखो भाई, मेरे केस में मेरा जो गिफ्ट के अकाउंट है उसको मैंने डिलीट कर रखा है, तो यहाँ पर जो मेरा गिफ्ट के अकाउंट है वो नहीं बना हुआ, तो इसलिए मैं अपने गिफ्ट के अकाउंट से ही इंडोनेशिया सर्वर की आईडी बनाने वाला हूँ। लेकिन मेरे भाई, अगर आपका जो गिफ्ट के अकाउंट है वो ऑलरेडी बना हुआ है और आप लोग चाहते हो कि उसको डिलीट करके अपने गिफ्ट के अकाउंट से ही इंडोनेशिया सर्वर की आईडी बनाना, तब आप लोग सिंपली इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो से आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि आप लोग अपने गिफ्ट के अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हो, वो भी गाइस बहुत ही आसानी के साथ में। तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग जाकर के अपना गिफ्ट के अकाउंट डिलीट कर लेना। वेल गाइस, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मेरा जो गिफ्ट के अकाउंट है वो डिलीटेड है, तब मैं सिंपली अपने गिफ्ट के अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। तब आपको भाई यहाँ पे ज्यादा कुछ घबराना नहीं है, ठीक है। आप लोग जिस तरह से एक न्यू अकाउंट बनाते हो आपको सिंपली उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको ये सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, इसके बाद आपको यहाँ से इसको कन्फर्म कर देना है, और कन्फर्म करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है, जो भी आपको अपना नेम लिखना हो। तो भाई, मैं यहाँ पर अपना नेम नहीं लिखने वाला, बाकी आप लोग यहाँ पर अपना नेम अच्छे से लिख सकते हो। एंड नेम को लिखने के बाद अब आपको यहाँ से इसको लिस्ट गो के ऑप्शन में क्लिक कर देना है, एंड जब आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे तब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आने वाला है। तब आपको करना क्या है कि आपको डिस्प्ले पर कहीं पर भी क्लिक कर देना है टैप टू कंटिन्यू करने के लिए, और जब आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे तब आपके सामने एक छोटा सा गेम ओपन हो जाएगा,
तो मैं अभी उस गेम को फिनिश करके आ रहा हूँ। वेल गाइस, यहाँ पर जो हमारे सामने गेम ओपन हो गया था, हम लोग सिंपली उसको फिनिश करके आ चुके हैं। और भाई अभी चलो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये इंडोनेशिया सर्वर के अकाउंट है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर अपनी गेम की सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इंडोनेशिया लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि यहाँ पर ये जो अकाउंट है वो हमारा इंडोनेशिया सर्वर का बन चुका है। तो बस भाई आप लोग इसी तरह से इंडोनेशिया सर्वर की आईडी बना सकते हो, वो भी गाइस बहुत ही आसानी के साथ में। तो देखो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तब आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी के साथ में अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करने एकदम से फ्री में होता है। तो अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, बिकॉज गाइस आपका भाई आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता है। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।